तो आगे दोस्तों आप लोग आइए, फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों क्या आपका बैंक ऑफ इंडिया में खाता है, बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है? अकाउंट है तो आपके अकाउंट से आपको दोस्तों, आप लोग नए अगर होंगे तो आप लोग को असमंजस में पड़ जाते होंगे कि चेक के बिना पैसे कैसे निकाले जा सकते हैं। तो चेक के बिना पैसे कैसे निकाले वो मैं आपको बताऊँगा, साथ में जो पैसे निकालने की होती है विड्रॉल स्लिप उसको कैसे भरा जाता है वो मैं आपको बताऊँगा। बिल्कुल अच्छी तरह से आप देखना, वीडियो स्किप मत करना, बहुत काम की चीज़ है। छोटा वीडियो है, काम का वीडियो है, हमेशा काम आता रहेगा। और खाते से पैसे निकालने के लिए कौन सा फॉर्म भरा जाता है, आप बैंक में जाके इधर उधर धक्के खाएं, उससे अच्छा ये वीडियो जरूर देख लें ताकि आप जहां पैसे निकालने की स्लिप है वहीं जाएं और जैसे पैसे फॉर्म भरना है, पैसे निकालने का फॉर्म भरना है, कैसे भरना है पूरा भरें, एक बार में आपका काम हो जाए। बार बार लाइन में लग के फॉर्म भरो, फिर लाइन में लगो, फॉर्म भरो, फिर लाइन में लगो, उससे अच्छा है वीडियो जरूर देख लें दोस्तों और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लेकिन इससे पहले बता दूँ, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबा दें, जिससे कि भर्ती के विज्ञापन और लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो दोस्तों पैसे निकालने की स्लिप यहाँ पे देख सकते हैं आप, कैश विड्रॉल स्लिप ये दिया हुआ है, नकदी आहरण पर्ची, ये पर्ची मैंने ले ली है, इसको स्कैन कर लिया है, भर के रखा हुआ है, आप देख लो कहाँ कौन सी चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आज की तारीख है 21-09-2019, आप बोल रहे होंगे कि बाकी सब तो मैंने हिंदी में लिखा है लेकिन ये अंक को इंग्लिश में क्यों लिखा है? तो दोस्तों आपको बता दूँ, 1, 2, 3, 4 इस तरह से जो भी होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसको आप इंग्लिश में ही लिखा करो। इंग्लिश में लिखने का फ़ायदा ये रहता है कि आपकी गलती होने की संभावना कम रहती है। ठीक है दोस्तों, चलिए और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं, ये तारीख का बता दिया मैंने आपको, अब तारीख के बाद यहाँ पे मुझे हमें पे टू सेल्फ अस द सम ऑफ रुपीस, आपको कितने पैसे निकालने हैं वो यहाँ लिखें, कितने रुपये निकालने हैं वहाँ लिखें। जैसे कि मैंने लिखा है 500 रुपये, मुझे 500 रुपये निकालने हैं, वो 500 रुपया लिख के, 500 रुपया तो पहले लिख दिया यहाँ पे दोस्तों, रुपये का निशान तो यहाँ बना हुआ है, आप देख सकते हो रुपया का निशान यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, ये निशान बना हुआ है, उसके बाद जितना निकालना है वो इधर लिख दो 500। उसके जब आपका शब्द पूरे हो जाते हैं, जितना रुपया निकालना है वो पूरा हो जाता है, जैसे 500 पूरा हो गया, मुझे 500 निकालना है, उसके बाद इधर पूरा जरूर लिख दो ताकि कोई इसके आगे छेड़खानी ना कर सके। अब यहाँ पे फिर आ गए, ये आपका हो गया पूरा फैलिलिटी, यहाँ पे आ जाइए आप, अंकों में लिखिए 500 रुपया और लिखने के बाद एक सीधी डंडी और साथ में ऐसा लिटी जरूर खींचे। उसके बाद मेरे हमारे खाता संख्या से डेबिट करें टू द डेबिट ऑफ माई आवर बैंक अकाउंट नंबर, मतलब आपका अकाउंट नंबर लिखना है कौन सा, बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट नंबर यहाँ पर लिखना है जो आपके पासबुक में लिखा होता है। उसके बाद साइन ऑफ अकाउंट होल्डर, अगर आप सिंगल अकाउंट ऑपरेटर हैं तो आपकी सही यहाँ चाहिए, जॉइंट अकाउंट है तो दोनों ही सही यहाँ पे सही है, अगल बगल सही कर देना। खाता धारक को नाम, मतलब जो पासबुक में फर्स्ट नाम है उसी का नाम यहाँ पे लिखना है, जैसे मदन लाल शर्मा मैंने लिख दिया है, किसी का नाम नहीं मैंने इसीलिए मदन लाल शर्मा लिखा है। अब उसके नीचे लिखा है कार्यालय के प्रयोग के लिए, फॉर ऑफिस यूज, तो आप इसको दोस्तों देख के छोड़ भी सकते हो लेकिन मैं आपको छोड़ने की सलाह नहीं दूंगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा जो छोड़ने जैसा है वो छोड़ दो लेकिन जो भरने जैसा है वो भर दो। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है पे टू, आपका फिर से नाम लिख दो मदन लाल शर्मा और यहाँ पे 500 रुपया पूरा लिख दो। बाकी ये टोकन नंबर, ये टोकन नंबर बैंक कर्मचारी लिखेंगे, ट्रांजैक्शन आईडी ये भी बैंक कर्मचारी लिखेंगे दोस्तों। तो ये आपका हो गया विड्रॉल स्लिप। अब एक बात और बता दूँ, विड्रॉल स्लिप से जब पैसे निकालते हो, इस स्लिप से जब पैसे आप निकालते हो आपके साथ पासबुक होना अनिवार्य है, पासबुक के बिना आप ये स्लिप को लेकर नहीं जा सकते बैंक में, ले जाओगे तो बैंक वाले मना कर सकते हैं, इसलिए आप इस स्लिप के साथ बैंक की पासबुक जरूर लेके जाएं, जिसका अकाउंट है उसी को मिलेगा, ये नहीं कि आप सही करके फॉर्म कर भर के भेज दिए किसी के साथ उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये विड्रॉल स्लिप है, चेक बुक नहीं है, चेक स्लिप नहीं है, ये सब बातें बिल्कुल ध्यान रखनी है, आपको ही जाना पड़ेगा। अब इसके पीछे, ये तो आगे का हिस्सा हो गया दोस्तों, अब पीछे का हिस्सा, पीछे में क्या है, पीछे में भी भरना होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या भरना होता है। जैसे कि पीछे का हिस्सा देख सकते हो, नकदी विवरण, केस डिटेल, आपको कितनी अमाउंट निकालनी है, 500 रुपया निकालना है, कौन कौन सी नोट चाहिए वो आप यहाँ पे भर दो। जैसे कि मुझे चाहिए 100 रुपये की 2 नोट चाहिए तो 200 रुपया हो गया, और 50 रुपये की 6 नोट चाहिए तो 300 रुपया हो गया। अगर आप हज़ारों में रुपया ले रहे हैं तो 2000 की भी मिल सकती है आपको, 500 मिल सकती है, 200 मिल सकती है, जैसे आपको चाहिए वैसे यहाँ पर लिख दो ताकि आप उसको बोलना ना पड़े आपको, आप बता दो कि मुझे ऐसे दे देना, वो कैशियर आपको इस हिसाब से अमाउंट आपको दे देगा। और चेक के पीछे भी, विड्रॉल स्लिप के पीछे भी आपकी सही होना जरूरी है, अनिवार्य है, इसके बिना पैसे आपको नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों इसी तरह के अपडेट में लेकर आता रहता हूँ, जरूरी काम की चीज़ें, छोटा वीडियो था लेकिन अच्छा वीडियो, जरूर शेयर करना, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाना। जय हिंद दोस्तों।